बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक फूड सीक्रेट, और यूनिक फूड सीक्रेट में आज मैं कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं अपलोड करूँगी, लेकिन यह कि रैंडमली जो मैं कुकिंग करती हूँ वो बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने आज बनाना है जूस। मेरे पास फरमाइश आई थी कि आप जिम स्पेशल भी कुछ बनाएं, ड्रिंक वेट लूज़ का भी बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, तो जो जिम में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ करें। तो इसके लिए मैंने ये कुछ फ्रूट्स लिए हैं। ऑरेंज है, एप्पल, लेमन, और एक ये वाला फ्रूट है। इसका मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फ्रूट है। हाँ, तो ये आड़ू है, नहीं खुबानी है। अगर किसी को पता हो कि ये फ्रूट क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं बनाऊँगी खड़ा मसाला की भिंडी। इसके लिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूंगी। ये तो फ्रूट मैं अब काट के इसको तैयार कर लूंगी। इधर जो मेरी भिंडी है इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें साथ ही डाल दी हैं। आज कोई स्पेशल रेसिपी ऐसी नहीं है, लेकिन रैंडमली जो मैं बनाती हूँ घर में खाना, कोई आपसे शेयर करूंगी। इधर फ्रूट मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, इसमें मैं पानी डाल के इसको शेक कर लूँगी। और जो भिंडी है ये मैंने फ्राइज किया, इसी में मैं डाल दूँगी प्याज। इसके लिए मैं आज अलग से मसाला नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे ये बनाना है खड़ा मसाला भिंडी। इसके साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और ज़ीरा मैं ऐड कर दूँ। जूस मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मिक्स फ्रूट जूस है। इसमें ऑरेंज है स्पेशली और लेमन, बाकी फ्रूट ऑप्शनल है। तो इस ये वेट लूज करने के लिए या वैसे जो जाने वाले हैं जिम में बच्चे, उनके लिए खास तौर पे ये बहुत अच्छा है। और इधर मेरी जो खड़ा मसाला भिंडी है वो तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैं इसका ऑफ कर दूंगी, तो ये आप देख लें इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये रैंडमली लाइट सी कुकिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दुआ में ज़रूर याद रखिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।